jewelry really. I really am not. मैं ये पहनती हूँ because मम्मी ने बोला मुझे कि पन्ना पहनो पुखराज पहनो तो मैंने पहन लिया उनके बोलने पे. आई एम रियली नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग. बहुत खुशी हो रही है कि 25 साल उन्होंने कंप्लीट किए और बहुत अच्छी तरह से इतनी गुडविल उन्होंने अपने लिए कमाई है और काफ़ी मतलब उनके क्लाइंट्स हैं सारे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं. एंड मुझे एक चीज़ का बहुत वो लगता है कि उन्होंने हमेशा अपनी जो ज्वेलरी बनाई है हमेशा अपना एक छाप छोड़ा है जो कि सबसे बहुत अलग होता है. Remember they did my wedding jewelry for me, so for me since then and now every occasion, every time I a girl needs her jewelry, I always turn to Anmol Jewelry. Anmol has always been really special, and they did all my jewelry for me for my wedding, so they've been my first choice for many many years. And Ishwar Dhamani, of course, is a wonderful person, and you know their pieces are timeless and elegant and classic and fun and all of that. So it's definitely the first place that I go. Bahut zyada Anmol hoti hai. I think for a woman to wear beautiful jewelry is always fantastic. आई थिंक आई मीन दैट्स ग्रेट बिकॉज मैं काफ़ी सालों से इनको जानती हूँ और बहुत मेहनत करते हैं. इनकी ज्वेलरी बहुत खूबसूरत होती है. सो आई विश देम ऑल द लक. मैं भी देखना चाहता हूँ अंदर क्या होने वाला है और पूरी प्रतीक्षा है और बहुत खुशी की बात है कि 25 साल पूरे हुए हैं. और वैसे मैं ज्वेलरी का पार्टी तो नहीं हूँ. मेरे अंदर कोई जौहरी नहीं छुपा हुआ है जो सब कुछ जान सकता है परख सकता है. पर एक आशा है कि अंदर एक बहुत अच्छा आयोजन है उसको देखने आया हूँ. अपने मित्र से मिलने आया हूँ. उनको शुभकामनाएं है. आई थिंक वैसे जब मैं बाहर जाती हूँ इतना ज्वेलरी तो पहनती नहीं हूँ, लेकिन जो भी है मेरे पास जितने भी सारे पीसेज है मेरे पास मोस्टली अनमोल के हैं एंड दे ऑल वेरी स्पेशल. देखिए अगर आप यहाँ पर इस माहौल में कोई व्यक्ति अपने कपड़े उतार दे तो उस व्यक्ति को आप कभी नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे और जरूर याद रखेंगे. पर इसका मतलब नहीं है कि उसकी इज्जत करेंगे. तो शब्दों के कपड़े या कविता में कपड़े उतारने से कविता जो है उसकी आप इज्जत नहीं करेंगे. उसे चाहे आपसे भूले ना कभी, और न भूलने में और इज्जत करने में बहुत फर्क है. टीम इंडिया के लिए मैंने कल भी कहा था, दुष्यंत जी का शेर है कि कौन कहता सुराख आसमान में हो सकता नहीं, एक पत्थर को तबीयत से उछाले जा रहा है.